अरे गला दबा। देखो यही होता है, ओढ़ ले आओ लड़कियों को इधर। मम्मी का जुकाम हो गया यार। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज व्लॉग घर पे स्टार्ट नहीं किया, आज बाहर आके स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ किशन बाग, मैं, अंकित, निकिता। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि हमारा रात को प्लान बन गया था कि भाई कल चलेंगे, ठीक है, डन, ओके। सुबह उठते ही बाबा बोलते हैं अभी मेरे को कि उषा के कोई योगा कॉलेज वगैरह है, उधर लेके जाना है उसको। मैंने कहा बाबा मेरा तो प्लान बन रखा है, मैं बाहर के काम से जाऊंगा, बता तो सकता नहीं हूँ कि उधर जाऊंगा। तो बाबा बोले नहीं, ये देख ऐसे ऐसे जाना है। मैंने कहा मैं जा ही नहीं रहा, सुन ऐसे ऐसे जाना है। फिर बताने के बाद पापा मैं नहीं जा रहा, पापा जाना पड़ेगा, मेरा काम है, पहले वो करके या फिर तेरा काम कर। मैं आई एम सॉरी पापा, मैं नहीं जा सकता, समझा करो। पापा समझ ही नहीं रहे। फिर क्या, तैयार हुआ, चुपके से आ गया, लो ले जाओ अब। किशन बाग खुल गया था 3 या 4 तारीख को शायद, तो मेरे जाने का प्लान था। फिर मैं सोचा दोस्तों के साथ जाऊंगा आराम से, तो फिर लोगों ने रील बनाना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे फोटोज आ गई, फिर वीडियो आने लग गए। मैं फिर भी चलेंगे 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 चलेंगे। कल परसों देखा यार सारे दोस्त चले गए, जूनियर, गली वाले, बाजू वाले, जहां देखो किशनबाग में इसकी माँ का। तो चलो रात को ग्रुप पे डाला, निकिता ने हाँ किया, अंकित ने हाँ किया, मैंने कहा चलो। तो अभी मैं जा रहा हूँ अंकित भाई के घर पे। अभी मम्मी का फोन आया, बोली रे खाना तो खा के चला जाता। मैंने कहा नहीं मम्मी। फिर मम्मी बोली ऐसे ही भाग गया ये वो। मम्मी अच्छी है, देखो कैसे फिकर करती है, और मम्मी ने पक्का संभाल लिया होगा। मैं यार मैंने प्लान बनाया और फिर मैं ही मना कर दूंगी कि भाई कैंसिल, आज नहीं जाएंगे, ऐसे अच्छा नहीं लगता यार, तो इसलिए मैं आया। तेरी गली वाले घूरते देख कैसे है भाई। तो भाई मेरी गली में एक से एक है। तो तभी मैं सोचू अंकित की गुड मॉर्निंग इतनी अच्छी कैसे होती है, और वो भी बिना कॉफी के। तो गाइस किशन बाग तो पहुंच गए, और ये रहा मेन गेट, और इसके सामने कुछ ऐसी जगह है। इधर है पार्किंग जो कि बाइक लगा दी, और वहां से लेनी है टिकट जो कि अभी लेंगे। पहले मैं, अंकित और खुशी इस वाले पार्क में आया करते थे, हमें पता भी नहीं था कि इधर कुछ ऐसा कुछ खुलेगा, किशन बाग खुलेगा, काम जरूर चल रहा था इधर। एक्सक्यूज मी, आप निकिता ही हो ना? हेलो, जल्दी आ गए आप, हैं लड़की हो के जल्दी आ गए आप, क्या बात है। और अंकित वो इधर बैठा, क्या बात है यार अंकित, मैचिंग है, क्या बात है। ऐसे हाथ थोड़ी मतलब गले वले लगे यार ऐसे। एक ऐसे गले लगते हैं। लगना है, जलन तो हो रही है। तो गाइस टिकट ले ली, और देखो कितनी सुंदर सुंदर टिकट है। क्यों नहीं की यहां का डस्ट भी, कितना वीडियो लग रहा है। चलो मुहूर्त हो गया। तो थोड़ा सा आगे चलने के बाद में कुछ ऐसी जगह आती है। देखो डस्टबिन भी देखो कितने शानदार बना रखे हैं इधर। क्या हुआ फोटो? हाँ। तो गाइस इसको आप चाहिए पद्दी, मतलब 2 मिनट हुई आते हुए और पद्दी चाहिए इसको। एक गरीब, अरे गला दबा। देखो यही होता है, ओढ़ ले आओ लड़कियों को इधर। देखो फटी हुई पैंट, पैसे नहीं तो मेरे से मांग लेती ना। दे दे हजार रुपए। सीधी चल, सीधी सीधी चल। ये देखो वापस इधर आके बैठ गई। पागल है ना, फोटो खिंचाने के लिए। अच्छा फोटो खिंचानी है क्या? लेके चले, पोज मार तो, और मार।
और क्या है? फोटो फोज का फोटो तो खींच। अच्छा खींच रहा हूँ वो तुम्हें। और बता अंकित, तो हम क्यों लाए थे? निक्की का जैकेट पकड़ने की। पकड़े रख पकड़े रख। चट्टाने और हम गांव में बोलते हैं मिट्टी के टीबे। ये तो सर्वे के, हमें तो पता ही नहीं था सैंड के हम कैसे पैदा हो गए। ये बलुआ पत्थर है सैंडस्टोन, हमारे देखा हुआ नहीं था, आज देख लिया। हम तो गरीब लोग हैं, हम तो 50 रुपए दे के देखने आए, यही तो देखने हैं। पुराना भी है क्या? मुझे तो लगा नया नया इन्वेंटेड न्यू। वैसे है कहाँ पे? अच्छा ये ये थोड़ी है? है। अच्छा ये है क्या? और क्या भाई, मेरे गांव में बहुत पड़े हैं। मैं कह रहा हूँ बिजनेस खोल लेते हैं अपन, चलेगा, देख कितने सारे लोग आ रखे हैं। वैसे यहाँ पे बैठने की जगह अच्छी है, और फिर इनके जैसे लोग आ जाते हैं फिर तो बैठने का एंगल ही चेंज कर देते हैं। चलें आगे मैडम, गाड़ी चलाएंगे। चलो चलाओ। कौन से गियर पे है वैसे? गियर पीछे से डर रहे हैं, आगे से डर रहे हैं? अच्छा इलेक्ट्रिक है क्या? वैसे ये दो है मेरे अनमोल रतन, पहले ही मेरी सेटिंग थी, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड थी, फिर एक दिन इसने इतना गंदा पाद मारा ओयो के अंदर, तो मैंने ब्रेकअप कर लिया इससे, और अब फिलहाल ये है मेरी क्यूट सी, मेरी प्यारी सी, मेरी चुलबुली सी। म्यूजिक। क्या चीज है? ओ हमने देखी नहीं थी। ओ सेट बता दिया आपने। ओ नो। जिन बच्चों के पास आर्ट्स है ना वो इधर आ सकते हैं, उनके लायक चीजें हैं। बाठे ही बाठे, बाठे ही बाठे। कच्चा बादाम, ओले कच्चा बादाम, कच्चा बादाम। कुछ ज्यादा ही फेमस हो रहा है तो। ले नाच तो तुम्हें देखता हूँ। ले मैं नाचू, ले 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 आजा आजा। गाना तो लगा। गाना क्या मैं लगा दूँ? नहीं बिना गाने के नहीं आता मेरे को। ले 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 आजा। कच्चा बादाम कैसे करते हैं? कच्चा बादाम देख तमाम। रुक जा मैं इधर आती हूँ। कच्चा बादाम, कच्चा बादाम। कच्चा बादाम बोले कच्चा बादाम, कच्चा बादाम बोले कच्चा बादाम, कच्चा बादाम बोले कच्चा बादाम। वो भैया हंस रहे। इसकी फिर से गाड़ी आ गई। ले चला, इस बार थोड़ी ज्यादा रेस देना। यार ये बात समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पे कुछ ला नहीं सकते क्या? ये इनकी भाषा है। ये देखो डस्टबिन लगा रखे हैं, कुछ ला नहीं सकते, फिर लगा क्यों रखे हैं? इन निकी की तरह बावड़े हैं ना निकी। अच्छा बहुत ज्यादा उठा तो परेशान हो जाते, फिर तो गंदा ही हाल हो फिर तो। अंकल ये भारत है, यहाँ के लोग अक्कल नहीं। हाँ घूमते घूमते
लोग पागल हो गए कैसे घूमते हैं। क्या देखे इन खेतों को हम, ये हमारे गांव में बहुत सारे हैं। मतलब हाँ सच में गांव में बहुत देखे हमने, पाटिया चराई है हमने, बहुत कुंचे देखने हमने, बहुत पत्थर देखे हमने, ये आंकड़े देखे हैं। बस यहाँ पे ये पुलिया सा बना दिया और ये पट्टियां लगा दी, बस घूमो आराम से। मचान दृश्य मंच मैदान लुक आउट, जब मैदान देखे ही नहीं हमने तो भाई ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हम मैदान देखेंगे अंकिता से अंकित जल्दी आप बता। तो थोड़ा सा आगे चलने के बाद में कुछ ऐसी जगह है जो कि पर्स पकड़ रखा है, जैकेट पकड़ रखा है और ये मैडम पोज दे रही है चश्मा लगा के। और यहाँ से कुछ ऐसी जगह है, अभी हम उधर से जाएंगे, उधर से जाके वो तालाब है एक छोटा सा जो कि वहाँ पे रोज पानी डाला जाता है और फिर वो टीबे रहे। टीबों में जाओगे क्या? जरूर, सांस आ रही है जरूर। निकी क्या देख रही है? ये देखी, मोर नहीं देखा हुआ हमारा। अच्छा नहीं देखा हुआ? गोडावन नहीं देखा हुआ हमारा। अच्छा ये डेजर्ट फॉग नहीं देखी हुई, ये सांप नहीं देखा हुआ भाई हमारा। ओ माय गॉड, नहीं देखी। इसको हम बोलते हैं वो क्या, गिरगिट, गिरगिट रंग बदलता है तेरी तरह। उंदरो 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 गूगलो, मारे मकोड़ो बोले कालियो मकोड़ो। गूगलो गूगलो चिंकारा चिंकारा ऊंट, ऊंट तो बैठे हुए भी है। निकी अगर तेरे से कोई पूछे कि किशन बाग कैसा आया तो क्या बोलेगी? खेत है। खेत है। और वो बोलेगी जाए नहीं जाए तो क्या बोलेगी? निकी स्विमिंग करने चले चलते, कीड़ो को भी खा लेंगे। तो वहाँ पे टीबा है, टीबे में जाएंगे नहीं और वो रही कुतुब मीनार, वो भी नहीं देखनी। अब यहाँ से चलते हैं बताओ। तो बाहर आ गए और निकी जा रही है, ठीक है निकी, बाय निकी बाय। भैया ध्यान से लेके जाना ठीक है ना, बाइक वाला इतना हरामी, मैंने बोला ना कि ध्यान से लेके जाना तो पता नहीं को क्या बोलता है, पकड़ के बैठ जाओ और अब भगा के लेके गया एकदम हरामी साला। और ये कि अंकित भाई अब तो मैं भी सोच रहा हूँ कि इसमें काम कर लेता हूँ। तो अभी स्कीम आए हैं चाउमीन खाने अंकित के पैसों की, तो घर पे आ गया। गई नहीं तू है, है? चला जा यहाँ से। गई जाके आ गई या फिर नहीं गई? नहीं गई, जिसका तेरे जैसा भाई हो ना वो बहन ऐसी ही रहती है घर पे। कोई बात नहीं, मम्मी का जुकाम हो गया यार। तो गाइस अभी 7 बज रही हैं और अब मैं जा रहा हूँ बर्थडे पार्टी में मेरे घर के जस्ट बगल में ही। और जब मुझे कोई बर्थडे पार्टी में बुलाता है ना, ओए होए मुझे इतना अच्छा लगता है ना, क्योंकि केक खाने को मिलता है और केक माय टलू लव, बहुत अच्छा लगता है मेरे को केक बहुत ज्यादा। तो कभी भी तुम्हारे लोगों का बर्थडे हो ना तो मेरे को इनवाइट कर लेना और केक अच्छा वाला मंगवाना, ठीक है? तो भाई के घर पे आ गए और मस्त डेकोरेट कर दिया, गुब्बारे फुला दिए और कई लोग गुब्बारे मुंह से हवा दे दे के फुलाते हैं, लेकिन यहाँ देखो
इस मशीन से फुला सकते हैं, तो किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, लेकिन वैसे पता तो सबको होता, लेकिन फिर भी। और तुम्हें दिखाता हूँ मैं मछलियाँ, ये देख लो मछलियाँ, और ये देखो 20,000 का स्पीकर, और ये रही हमारी प्यारी सी दादी जी, और ये रहा हमारा प्यारा सा शेरू। एलेक्सा किधर है भाई? एलेक्सा अंदर है? एलेक्सा क्या कर रही हो? बस सोच रही हूँ, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी ही क्यों जटाई? क्योंकि उसको चटनी पसंद थी। एलेक्सा जोक सुनाओ एक बढ़िया सा। चंदू ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब बड़ा परेशान हूँ, मेरी पूरी बॉडी में कहीं भी उंगली लगाओ तो दर्द होता है। डॉक्टर ने फुल बॉडी एक्सरे किया तो पता चला कि उंगली में फ्रैक्चर है। हैप्पी बर्थडे। आप कहिए तो मैं हैप्पी बर्थडे। बस कहिए हैप्पी बर्थडे गाओ। एलेक्सा हैप्पी बर्थडे गाओ। ओके लेट्स डू दिस। 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। एलेक्सा हु इज वीर के व्लॉग? सॉरी आई डोंट नो दैट वन। एलेक्सा तुम बहुत पसंद हो हमको। सॉरी मुझे इस बारे में नहीं पता। क्यों नहीं पता तुमको? साली एलेक्सा। एलेक्सा हम तुमको कैसे लगते हैं? बोले तो एकदम धांसू। मेरे को ज्यादा डालना वो वाला, ज्यादा डालना वो वाला, थोड़ा सा ये तो। तो पेट पूजा तो हो गई और सांस नहीं आ रहा। तो भाई को गिफ्ट में मिली है ये वॉच, पता कितने की है? 1 सेकंड। 5,999। 6,000 की वॉच तो सस्ती है, इससे एक और महंगा गिफ्ट है वो दिखाता हूँ। साइकिल। तो मैं आ गया घर पे और सारे मुंह बाके सो गए। मैं करूंगा एडिटिंग गोली चूसते चूसते, और करते हैं इस लोग को इधर ही समाप्त। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइस, लव यू गाइस। मैं कुंजास्कू बाबा।